देखो पता नहीं है कि मैं आया वहाँ, सुनता नहीं है ना, कम सुनता था देखो, इसलिए ना पता ही नहीं। ओह बोल वाला उड़ा उड़ा। दादाजी को जो है लेके आते हैं। चलो भाई दादू। ओहो सो रहा हो। और ठीक है दादा है? दादी बना रही है बाजरे की रोटी। जब गांव में रहता था ना तो खाते थे, मस्त बनाते हैं सब घर में। अगर सबसे अच्छी बाजरे की रोटी बनाता है तो बनाती दादी ना, वो बाकी किसी से बैठती नहीं है उतनी अच्छी। ये मोटे भी बनाते हैं और करकरी भी। अभी देखो चाचा जी भी आ गए हैं बाजरे की रोटी खाने के लिए। चाचा जी की डिमांड थी कि घी होना चाहिए और चटनी होनी चाहिए और बाजरे की रोटी होनी चाहिए। तो चटनी तो मिसेस ने बना ली और बाजरे की रोटी है जो दादी बना रही है, क्योंकि चाचा ने बोला था कि बाजरे की रोटी कोई बनाएगा तो दादी बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत मस्त बनाते हैं वो। दादी रोटी बना रही है, हमको परोस रही है, और ये चटनी, दही और घी डलेगा, घी। वाह वाह नरेश कल वापस घर जाना है गांव से, तो साथ लेके जा रहा हूँ सबको मैं। ये तो कल आएगा। नरेश मेरे साथ जा रहा है और सुमन मेरे साथ जा रही है। 3-4 महीने हो गए इसको पीछे पड़े हुए, साइकिल ला के दो, साइकिल ला के दो, तो ये साइकिल ला के दी इसको। तो भाई अभी निकल गए हैं गांव से। सुबह सुबह धुंध भी आने लग गई थोड़ी थोड़ी। मिर्ची लेकिन बहुत थी। बहुत मज़ा आया बाजरे की रोटी खाने में, और गांव में आके तो और भी ज़्यादा। कल शाम को आ गए थे हम गांव में, हमने दिवाली मनाई। पहले तो कल 3 बजे पहुंचा ही था, उसके बाद दिवाली मैंने पापा और मम्मी के साथ सेलिब्रेट किया। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद 9 बजे हम लोग जो है वो घर से निकल गए थे। उसके बाद मैं गांव में आ गया था। क्या है कि दिवाली सेलिब्रेट पापा मम्मी के साथ भी करनी थी और दादा दादी के साथ भी। अभी क्या है, दादा दादी की तबीयत नरम है और सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा है, इस वजह से दादा दादी ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। वरना हर साल दिवाली और होली के बाद जो है सब लोग हम इकट्ठा होते हैं घर पर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर चाचा बोले कि मैं भी क्या करूँगा आगे, तो बच्चे लोग हम लोग आ ही गए हैं। तो नरेश को भी लेके आ गया मैं, सुमन को भी लेके आ गया। अभी जाएंगे मैं और चाचा का लड़का है, दोनों चूरू जाना हमको बाइक लाने के लिए। तो 2 बजे की ट्रेन है यहाँ से, उससे ट्रेन से चले जाएंगे चूरू, 1 घंटा लगेगा हमको। और फिर उसके बाद वहाँ से हम बाइक लेके आ जाएंगे। अनिल बराबर, थैंक यू। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। ये हाँ, चलते हैं। 1 घंटे में यहाँ से चूरू पहुँच जाएंगे हम लोग। इंजन बड़ा मस्त है यार ये, लेकिन मस्त लगता है एकदम कलरफुल। सो अभी हम लोग जो है चूरू पहुँच गए थे। मेरा फ्रेंड है सुमित शर्मा, कॉलेज टाइम में हमने साथ ही पढ़ाई की है। और मैंने एक व्लॉग डाला था 6 साल बाद ट्रेन वाला, तो हम लोगों ने उसमें ट्रैवल किया था लास्ट टाइम। तो हमको भी मिले हुए 6-7 साल हो गए थे पढ़ाई के बाद, मिल ही नहीं पाए। तो आज सोचा चूरू आया हूँ तो मिलता चलूँ। क्या साइकिल है भाई, ज़बरदस्त। मैं सोचा ना इसकी रिम है वैसी, लेकिन इसने क्या वो लगा रखे गत्ते। हाँ चल। ठीक है। हाँ हाँ बाइक 113 रुपये 14 रुपये लीटर कहाँ जाएगा ये? सस्ता करने की बात कर रहे थे ना, 120 हो। अच्छा 120 के बाद सस्ता कर दिया। सो गाइज अभी हम लोग जो है निकल चुके हैं चूरू से अपने घर के लिए। मेनली हम चूरू इस बाइक के लिए ही आए थे। बजाज पल्सर 125 बाइक है ये, और ये जो बाइक है वो चाचा जी को गिफ्ट की है दिवाली पे अल्ट्राटेक कंपनी ने, क्योंकि चाचा जी जो है अल्ट्राटेक कंपनी के डीलर हैं सीमेंट के, तो उन्होंने दिवाली के गिफ्ट के तौर पर ये बाइक दी है। मैंने इसको चला के देखा, बाइक तो अच्छी है। मैंने इतनी बाइक चलाई नहीं है, लेकिन पल्सर में पहली बार ही चला रहा हूँ। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है ये, एक कंट्रोलिंग भी अच्छी है, और किसी ज़माने में पल्सर बहुत ज़्यादा फेमस थी। पीछे अगर देख रहे हैं तो सनसेट भी हो रहा है, तो व्यूज़ थोड़े अच्छे आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ रुक गए। और थोड़ा ना ठंड भी बढ़ने लग गई है, तो थोड़ी दूर तो मैंने बाइक चलाई, उसके बाद ये बोला कि मेरे को भी चलानी देखनी है, तो ये बाइक चलाने लग गया। अब मैं पीछे बैठ गया। अब भाई साहब मेरी तो हालत ख़राब हो गई, ऐसे नाक जाम हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो गई हो। सो गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर फिनिश। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।